नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आयु शक्ति के फेसबुक लाइव में। मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? यस 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 थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आयु शक्ति के फेसबुक लाइव में। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा, दमा। ये प्रॉब्लम आजकल में 10 में से हर एक इंसान को होता है। ये कई कारण इसके लिए कई कारण है, पॉल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स, और यही सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज है डॉक्टर स्मिता नरम और डॉक्टर दीपा फ्रॉम आयु शक्ति। लेट्स सी व्हाट डॉक्टर स्मिता नरम हैज टू से अबाउट दिस। नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, एलर्जीज और इवन ब्रोंकाइटिस सम केसेस एंड ऑल ऑफ दोस कंबाइंड टुगेदर। तो ये जो दमा है वो एक्चुअली एलर्जी की वजह से हो सकता है, कई बार इन्फेक्शंस की वजह से होता है, कई बार लोगों को जेनेटिकली बचपन से इनहेरिट करने की वजह से होता है। जैसे कि मेरा बेटा, तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर नरम, जो लेट डॉक्टर नरम थे, उनको बचपन में दमा था और जब उनकी उम्र 28 साल की हुई थी तो आयुर्वेद सीखने के बाद उन्होंने केवल आयुर्वेद से हमारी जो अस्थालोक फॉर्मूला है उसी से उस दमे को कंट्रोल किया था। तो इसकी वजह से आज लगभग 30 साल उसके बाद हो गए, उनको कभी भी उसका अटैक आया नहीं। तो ये जो दमा है वैसे ही उसी की वजह से मेरे बेटों को हुआ था। तो जब वो 5 महीने का था, केवल 5 महीने का, हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, बिलीव मी, केवल 5 महीने की उम्र में अचानक उसे इतनी जबरदस्त वीजिंग हो गई थी और ऐसे सुन होके पड़ा था। और माँ होती है ना, वो बहुत इन्वॉल्व होती है बच्चों में, तो जब ऐसा कुछ हो जाए ना तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो मैं भी पैनिक हो गई और मैंने उस वक्त अपने एक दोस्त है पेडियाट्रिशियन, जो हमेशा मेरी कनेक्शन में, बचपन से जब बॉर्न हुआ तभी वो आए थे, जैसे हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन आते हैं ना तभी, तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैंने उनको फोन किया तो वो अचानक घर आए और आके बोलते हैं कि इसके तो दमा हो गया है और उन्होंने इमीडिएटली नेबुलाइजेशन दिया। ओके, अब उनको बुलाया था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई तब तो, लेकिन उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि आपको तो इनको एक ये जो इनहेलर का पंप है वो 7 साल तक देना पड़ेगा, नहीं तो ये लंबा उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, वो बहुत ही वीक रहेगा, ये वो इतना डराया। फिर मैं जब वो गए तब मैं वापस डॉक्टर बन गई, मेरा दिमाग लाइन पे आया कि इसको सिर्फ दमा है, जिसमें आयु शक्ति माहिर है। इसके पिताजी का भी दमा हमने उसी से कंट्रोल किया था। तो मैंने उनको आयु शक्ति का अस्थालोक और डीवायरो कफनो सिरप ये मैंने उनको दिया कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली जब मैंने उनको दिया तो धीरे 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 करके आप मानेंगे नहीं, उसे कभी पहले तो अटैक आया ही नहीं उसके बाद, लेकिन साल भर तक, मतलब इतने छोटे उम्र के बच्चे को मैंने साल भर तक ये दवाइयां दी। ओके, 5 महीने की उम्र से 1.5 साल की उम्र तक मैंने ये दिया और तब तक उसे कभी अटैक नहीं आया। उसके बाद मैंने बंद कर दिया दवाई तो भी उसे कभी अटैक आया नहीं। और आज वो 21 साल का, आप खुद देखते हो कभी कभी आता है
अभी तो उसकी एग्जाम चल रही है इसलिए पढ़ाई में पड़ा हुआ है, आज नहीं आया लाइव पे। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो कितना अच्छा ग्रो हुआ है, वो उसकी हाइट मेरे से भी ज्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद जो है वो ब्रेथलेसनेस, दमा, या तो कभी एलर्जी हो जाए, या तो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सब में इम्यून सिस्टम बढ़ाने में माहिर है। और आयुष शक्ति की सालों से, मतलब ये पब्लिश रिपोर्ट्स है कि इससे डेफिनेटली फायदा होता ही होता है, जो हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। तो आप आयुष शक्ति या आयुर्वेद से क्या एक्सपेक्ट करते कर सकते हो यदि आपको दमा है? तो पहले तो दमा के लक्षण क्या होते हैं ये मैं बताना चाहती हूँ। तो जब किसी को एलर्जी, श्वास, अस्थमा वगैरह होता है, तो वो व्यक्ति उनको या तो कई बार ऐसा होता है कि उनको एवरी डे इनहेलर पंप लेना ही पड़ता है, नहीं तो रात को नींद नहीं आती। कई लोगों को रात को ही अटैक आते हैं। किसी को दिन में 4 बार इनहेलर लेना पड़ता है, इतनी खराब स्थिति होती है। स्पेशली कई बार वो बहुत सीरियस डिजीज की वजह से भी हो जाता है। तो और कई बार किसी को ऐसा होता है कि जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस का एक्सपोजर हुआ, जैसे कि फ्यूम या धुआं या कोई ऐसी पेट्रोल की बास या परफ्यूम हो, या तो धूल हो, या तो कोई इन्फेक्शन, सीजन चेंज हो गई, तो इतनी छींके आएगी, इतनी छींके आएगी, और फिर अचानक से नाक पूरा बंद होके सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगी, और धीरे धीरे वो नाक के पीछे से ड्रिपिंग होके गला पकड़ेगा, और बाद में एकदम ब्रेथलेसनेस का बड़ा अटैक आ जाएगा। मतलब अभी ठीक है और एक 15 मिनट के बाद अचानक से पूरा ऐसा लगता है कि बाप रे, ये तो सांस ही नहीं ले पा रहा है, पूरा ब्लॉक हो गया, कंजेस्ट हो गया पूरा। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप क्या करें? तो हम घरेलू उपाय बताएंगे, हम आपको डाइट वगैरह सब कुछ बताएंगे, पर पहले मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत, हमारी आयुर्वेद के लिए बहुत ही सराहनीय ऐसा एक आपको रियल स्टोरी दिखाना चाहती हूँ। अमेरिका की स्टोरी है। एक्चुअली आयुष शक्ति के बहुत सारे क्लिनिक है, जैसे आपको पता है, विश्व भर में है, और उसमें एक क्लिनिक पार्टनर हमारा है, वो यूएस में नॉर्थ कैरोलिना में है, डॉक्टर टॉम मिचेल। तो उनके यहाँ मैं साल में 2 से 3 बार जाती हूँ, और वो आयुर्वेद की 25 साल से आयुष शक्ति के साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके यहाँ ये डेबी, जिसका वीडियो हम देखेंगे, उसको मैं मिली थी। तो डेबी को 15 साल पुराना अस्थमा था, और रोज इनहेलर लेती थी, और उसका वजन कुछ करीब 90-95 किलो तक हो गया था, क्योंकि वो इनहेलर से स्टीरॉयड की इफेक्ट की वजह से वैसा बढ़ जाता है, फूल जाता है कई लोगों को। तो जब मेरे पास आई तो उन्होंने बोला मुझे केवल वजन कम करना है, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने बोला है कि ये इनहेलर तो आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि आपके डॉक्टर यदि बोलेंगे तभी आप इनहेलर छोड़ना, उससे पहले मत छोड़ना, पर हम आयुर्वेदिक दवाई से आपको मजबूत करेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगे, और उसके बाद ऐसा डाइट करेंगे ताकि आपका वजन भी घटे, सूजन जो बनी हुई है वो निकल जाए। तो मैंने उसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट दिया, केवल प्रोटीन, वेजिटेबल्स, नो कार्बोहाइड्रेट, और मैंने अपनी अस्थालोग, डी वायरो, ये सब दवाइयां दी। तो आप देखिए, ये वीडियो है अपने पास, हम प्ले कर सकते हैं अस्मिता जी? हाँ, ये डेबी है यूएस की। Sugar and dairy and recommended several herbal supplements and some dietary changes. Well, since then, I am proud to say that I have lost 31 pounds. I continue to use my supplements. And that now, as of August, I am off my daily asthma medication. Yes, I am so excited about this. How long did you take those medications? For about 15 years daily, one inhaler twice daily. So, mere pyare dosto, यदि हम सही काम करें, आहार विहार आयुर्वेदिक औषधियां करके अपने आप को मजबूत करें, तो जैसे डेबी का
इनहेलर, उनके खुद के डॉक्टर ने ही बोला कि आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब आपकी ब्रीदिंग जो है वो पहले से 20% इम्प्रूव हो चुकी है और उसकी वजह से उनका इनहेलर छूट गया और अब वो अपनी दवाइयां भी आयुर्वेदिक नहीं ले रही है। उन्होंने 1.5 साल तक आयुष शक्ति की दवाइयां ली थी और अब उन्हें जरूरत नहीं है। तो ये जो दमा है उसके कारण क्या होते हैं? मॉडर्न साइंस के अनुसार एलर्जिक रिएक्शंस, हिस्टामिन रिएक्शंस, यानी हमें जब हमारे श्वसन क्रिया में जब एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी यानी कोई इन जर्म्स अंदर चले जाए, या तो कोई जैसे कि आजकल कोरोना में हो रहा है, या कोई वायरस चला जाए, कोई बैक्टीरिया जाए, या धूल, धुआं, परफ्यूम, तो ये सब फॉरेन बॉडी मतलब कि ये हमारा शरीर का हिस्सा नहीं है, वो बाहर का हिस्सा है। तो उसे बाहर फेंक निकालने के लिए शरीर जो है जबरदस्त रिएक्शन करता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन रिएक्शन। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो क्षमता है वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिएक्शन करके बहुत सारा म्यूकस पैदा कर देती है। लेकिन कई लोगों में क्योंकि वो म्यूकस इसलिए पैदा करती है कि उससे ये सारी फॉरेन बॉडी अंदर मर्ज होके निकल जाए, लेकिन कई लोगों में इतना जबरदस्त हाइपर एक्टिव रिएक्शन होता है कि ये म्यूकस पूरा ब्रीदिंग यानी हमारा जो पैसेज है वो पूरा बंद कर देता है, उसे चॉकअप कर देता है, उससे सांस लेना भी दिक्कत हो जाती है। तो वो एक रीजन होता है। आयुर्वेद भी बोलता है कि जब आप गलत खाना खाते हैं, जैसे कि कफ पैदा होने वाले पदार्थ ज्यादा खाओ, आपका डाइजेशन सही काम नहीं कर रहा है और खाने की वजह से टिपिकल चीजें खाने से म्यूकस पैदा होके सीधा ऊपर चढ़ के यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है नाक में, गले में या तो लंग्स में, और ये म्यूकस इकट्ठा कैसे होती है, वहां चढ़ती कैसे, वायु की वजह से, यानी गैसेस जब बनते हैं और वो गैस ऊपर चढ़ने लगते हैं तो म्यूकस पैदा हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारी श्वसन क्रिया ब्लॉक होने लगती है, उनमें बाधाएं आने लगती है और उसकी वजह से हमें ऐसे एकदम सांस लेने में दिक्कत पड़ती है और कई बार हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ पे डिस्पोनिया यानी इतने खींचा खींच खींच के सांस लेना पड़ता है, ऐसा लगता है कि छाती को किसी ने टाइट बांध लिया है, जकड़ लिया है जैसे कि, और सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई जैसे कि हमें हमें किसी ने पानी में डाल दिया और वो पानी हम अंदर लंग्स में पी चुके हैं और उसकी वजह से वो सांस अंदर ही नहीं जा पा रही है, पूरा ब्लॉक हो चुका है। तो ऐसी सारी फीलिंग आती है और खांसी आते रहती है कई लोगों को कॉन्स्टेंटली उस दौरान, बलगम भी निकलती है कई बार ड्राई कफ हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में आयुर्वेद ये भी कहता है कि जब ये वायु पेट में, कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि सीजन चेंज हुआ तो अचानक से दमा का अटैक आया, ये सब मैंने बताया, वो एक्सपोजर हुआ तो आया, और कई लोगों को केवल बीन्स जैसे कि राजमा, चना या तो बटाना, मटर, ये सब जो गैस पैदा करने वाली जितनी चीजें खाई, इवन पत्ता गोभी खाई या तो फूल गोभी खा ली, तो तुरंत गैस होके वो ऊपर चढ़ जाता है और एकदम दमा का अटैक आने लगता है। तो ये सारी वायु की निशानी है। तो आयुर्वेद कहता है कि कफ और वायु जब ऊपर चढ़ जाता है और अब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इकट्ठा हो जाता है तो तब हमें सांस लेने में बाधा आती है क्योंकि हम अंदर से बाहर से हवा लेके अंदर ले रहे और ऑलरेडी वो लंग्स खाली होने चाहिए, वहां कुछ भरा हुआ है, या तो हवा है या तो कफ बलगम है, तो फिर वो एकदम से अंदर जाके बाधाएं पैदा होती है और फिर ऐसा लगता है कि हम सांस नहीं ले पा रहे और हम घुटन सी महसूस करते हैं जबरदस्त, और किसी को रात को ज्यादा होता है, किसी को दिन में होता है, एक्सपोजर से होता है। तो ये सारी चीजें केवल 3 तरीके से ही ठीक हो सकती है। एक, आपकी इम्यून सिस्टम आप ठीक ठाक रखिए, मतलब ये कि यदि इन्फेक्शन है तो इम्यून सिस्टम उसे मार कर फेंक निकालनी चाहिए, यदि इन्फेक्शन नहीं मारा तो उससे भी दमा हो सकता है, कफ, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो जाता है। और कई बार एलर्जिक यानी हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम भी ठीक नहीं है, तो इम्यून सिस्टम एकदम सही होनी चाहिए, सही रिएक्शन होना चाहिए, तो वो केवल आयुर्वेद से ही जड़ से ठीक हो सकता है क्योंकि ये आयुर्वेद की ताकत है।
और दूसरा ये है कि जो खाना खाए जिससे बलगम पैदा होती है वो खाना ना खाए, तो बलगम पैदा होना ही बंद हो जाए। यानी हम क्या करते हैं कि हमारी जो पाचन की क्षमता, जो हजम करने की क्षमता है, उसे हम बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से आपको कफ पैदा ही नहीं होगा, बलगम पैदा ही नहीं होगी ज्यादा, और गैसेस नहीं पैदा होंगे, तो फिर वो जल्दी से दमा के फॉर्म में परिवर्तित नहीं होगा। और तीसरा, कई लोगों को क्रॉनिक दमा की वजह से अंदर एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन सी हो जाती है, तो उन लोगों को हम सूजन कम करने की भी औषधियां देते हैं। तो इस तरीके से दमे में जो है कि आयुर्वेद धीरे 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 काम करता है, साथ में कई बार हमें जो उनकी दवाइयां लेते रहते हैं कोई, तो उनको चालू रखनी पड़ती है, फिर उनके खुद के डॉक्टर ही बोलते हैं कि अब आपको अटैक नहीं आ रहा है, आप मत लीजिए। सो ये चीज के अंदर बात करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हुए है आज डॉक्टर दीपा, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ, जो हमारे वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स में से है, काफी अच्छे तरीके से वो मुंबई क्लिनिक में लोगों को ट्रीट करते और पूरे इंडिया में वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं। तो डॉक्टर दीपा, यू वांट टू शेयर समथिंग ऑन द डाइट? यस मैम, यस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयुष शक्ति डॉक्टर दीपा सापुरकर, और आज मैं एक अत्यंत जटिल और पुरानी बीमारी अस्थमा के बारे में बताने जा रही हूँ। और मैडम ने बताया ही है इस तरह से कि किस तरह से एलर्जन और पोल्यूशन से हमें ब्रोंकियल अस्थमा की तकलीफ बढ़ सकती है या अटैक्स आ सकते हैं। तो हम ये बताएंगे आज कि आप कुछ घरेलू प्रयोग, आहार के बदलाव और दवाइयों के प्रयोग से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मेरी एक पेशेंट से, ये हम घरेलू नुस्खा है जब भी हम ये हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये नुस्खे में दी हुई चीजें है जिससे कि शरीर में जो बलगम तैयार होता है वह बलगम हम रोक सकते हैं। और इसके प्रयोग में हम तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच, हल्दी की पाउडर 1 चम्मच, सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी 1 चम्मच, इसमें ये आधा चम्मच लेना है, और जूस यानी अदरक का जो रस है उसका 1 चम्मच, और काली मिरी उसका 1/4 चम्मच। ये सारे मिश्रण आपको मिलाकर गर्म पानी में आपको इसको गर्म करके दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, जिससे कि अस्थमा के पेशेंट में जो बलगम बनने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया जो होती रहती है, हम इससे कम कर सकते हैं। अब हम जाएंगे एक दूसरे घरेलू नुस्खों की तरफ, जो है यह एक दूसरा नुस्खा है। यह नुस्खे के प्रयोग से हम म्यूकस बनाने की जो शरीर में जो प्रक्रिया है उसे कम कर सकते हैं। सो इसमें हम प्रयोग करते हैं सूखा अदरक यानी सौंठ भी कहा जाता है, सौंठ का 1 चम्मच पाउडर लेकर 1 छोटी चम्मच उसको गर्म पानी में उबाल कर, और यह गर्म पानी, गुनगुना जो पानी है, दिन में 5 से 6 बार अगर अस्थमा के मरीज लेते हैं तो उनमें काफी श्वसन प्रणाली में भी काफी राहत होती है, और अस्थमा में जो बलगम बनता है वो भी हम रोक सकते हैं। यह दूसरा प्रयोग, और हम जाते हैं अभी एक तीसरे प्रयोग की तरफ। तीसरा और एक अत्यंत उपयुक्त, जैसे मैडम ने शेयर किया कि अस्थमा के पेशेंट में एक बहुत ही टाइटनेस रहती है, चेस्ट में एक जकड़ाहट रहती है, तो यह जकड़ाहट निकालने के लिए हम इस घरेलू उपचार का प्रयोग हम करते हैं। और इस चीज में हम प्रयोग में लाते हैं तिल का तेल, और उसी सम प्रमाण में सेंधा नमक मिक्स किया जाता है और रोगी के छाती पर लगा दिया जाता है,
और यह जो तिल का यह जो तेल सेंधा नमक युक्त तेल लगाने के बाद में एक मोटे से कपड़े में अदरक जो सौंठ का पाउडर है वो करीब 150 ग्राम लिया जाता है और अजवाइन के पाउडर है करीब 150 ग्राम सम प्रमाण में लेकर उसकी एक पोटली बनाई जाती है और यह फिर चारी को अच्छे से सेका जाता है वो पोटली से रोजाना करें 10 से 15 मिनट अगर आप छाती को सेकते हैं इस पोटली से तो आप यकीन मानिए कि जितनी भी जकड़ाहट रहती है ऐसे पेशेंट्स में ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में श्वास कट रहती है और ये निकल जाती है जकड़ाहट निकलने में ये अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो ये है हमारे घरेलू प्रयोग। सो फ्रेंड्स अगर अगर आपके मन में अस्थमा के बीमारी से जुड़े कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपको जवाब देने में। अभी हम आगे आगे जाएंगे कि इस बीमारी में हम आहार विहार में ऐसा क्या बदलाव लाए जैसे कि श्वसन प्रणाली में जो बलगम बनता है वह हम रोक सकते हैं। सो आहार आहार में जैसे कि हम क्या खाए और क्या ना खाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गेहूं का पदार्थ गेहूं दूध से बने हुए पदार्थ ठंडे पदार्थ और प्रिजर्वेटिव और मिठाई शुगर जिसे हम बोलते हैं मैदा रिफाइंड फ्लावर फूड एसेंस जो रहते हैं जो फ्लेवरिंग एजेंट्स रहते हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि जिनके आहार में गेहूं और दूध होते हैं उनको अस्थमा की तकलीफ उनकी और बढ़ती है इसीलिए यह बंद करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ये जो इसमें बताए जा रहे हैं जो पदार्थ है ये आप खा सकते हैं जैसे कि मूंग की दाल है सारी सब्जियां हैं ये आप खा सकते हैं और ज्वारी नाचनी की रोटी या बाजरी की रोटी इससे यह सब आहार में प्रयोग कर हमने काफी देखा है कि काफी उपयुक्त हमने देखा है कि अस्थमा के पेशेंट्स में बहुत ही राहत मिलती है। अभी हम जाते हैं विहार की तरफ यानी हम अपने विहार लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करें कि अस्थमा के पेशेंट्स में हमें उसका रिजल्ट मिले। विहार में यह देखा गया है कि सामान्य आपका एक बहुत अच्छा केस था हम लोग विहार की बात करें ना उससे पहले आपने एक जो केस था उसके बारे में हम बात करते हैं कांदिवली के पेशेंट जी 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 तो हम देख सकते हैं वीडियो हाँ ये टेस्टिमोनियल है रियल में। अच्छा ओके आप कुछ बोलना चाहेंगे। I am 40 years old and by profession I have to talk a lot and which caused a lot of asthmatic tendencies and cough and wheezing and a lot of other problems which would be terrible and I was not able to talk and breathlessness and a lot of other issues even that caused putting on weight and other related issues also so my mother-in-law suggested me to meet Dr. Deepai Ryan Shakti and I started with the treatment initially it was a very tedious and a lot of medicines and long term treatment but at the end of the treatment I was really relieved
I can now definitely see that I have a lot of improvement in my overall health. I reduced almost 7 kg weight in say about 14 days detox, and which really helped me. And the staff and the doctor and the team, entire team here is very supportive, very caring, and look into everything personally. And I'm very happy and satisfied. And thank you very much. आप कुछ बताना जी. चाहेंगे डॉक्टर दीपा, इनका क्या जी. केस था? जी जी मैम, यह मेरी पेशेंट है जो कांदिवली सेंटर मुंबई में मेरे पास आई थी. और जब वो प्रोफेशन है, पेशे से शिक्षा है, और जब वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया कि उन्हें अस्थमा की जो तकलीफ है, वो काफी सालों से अस्थमा की तकलीफ है. और जब भी वो आई थी तभी काफी सीवियर उनको काफी खांसी और दमा लगने की शिकायत, यानी कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती थी. रात में वे अच्छे से सो नहीं पाती थी, सीधा लेटने पर उनको से चढ़ाहट काफी लगती थी. और जब भी वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई, तभी मैंने उनका पल्स देखा, तो उनके पल्स में नाड़ी में काफी, नाड़ी परीक्षण करने के बाद में काफी उनके पल्स में वात और कफ ज्यादा था. मैंने उनको आयुष की उपचार पद्धति के बारे में उनको जानकारी दी कि कैसे हम एस्थेटॉक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं. ये पेशेंट ने भी अच्छे से सारी ट्रीटमेंट ली, और आप यकीन मानिए, सिर्फ 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में 90% या 90% उनके जो भी तकलीफें थी, खांसी थी, सांस लेने में तकलीफ थी, और वह अच्छे से लेट पा रही थी, वह अच्छे से सो पा रही थी, वह एक बहुत ही बदलाव उनमें नजर आया, और वह अत्यंत खुश थी. और एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया उनमें कि वह रोजाना नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स लेती थी. और ये ट्रीटमेंट करने के बाद में 2 महीने में ही उनका जो रोजाना नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स लेने का जो रूटीन चालू हो पूर्णतः बंद हो गया था. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने अभी भी कभी भी उनको कुछ भी तकलीफ होती है तो भी वो हमारे पास ही आयुष शक्ति से ट्रीटमेंट लेते हैं. और ऐसी ही एक बच्ची के बारे में मैं बताना चाहूंगी. ये 3 साल की बच्ची है, मैं 3 साल की बच्ची है, और उसकी माँ क्लिनिक में लेके आई थी ये बच्ची को. और ये बता रही थी कि माँ काफी टेंस थी कि मेरी बच्ची रात में सोती नहीं है, और जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो उसे बलगम सर्दी हो जाती है, छाती में बलगम इतना हो जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर्स तो उन्हें नेबुलाइजर्स देते हैं, इनहेलर्स देते हैं, और तब वो जाके कहीं शांत से सो पाती है. और इसी वजह से वो इतनी परेशान थी कि कभी कभी रात में उठकर वो अपने बच्चे को देखती थी कि उसकी सांसें अच्छे से चल रही है कि नहीं. और जब भी वो मेरे पास आई, हमने एज यूजुअल उनका नाड़ी परीक्षण किया. नाड़ी परीक्षण के बाद में हमने कुछ उनकी वो बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने की मेडिसिन चालू कर दी, हमने कुछ दवाई चालू कर दी. और आप यकीन मानिए, 1.5 महीने के बाद में वो माँ इतनी खुश थी कि थोड़े से आहार और थोड़ा सा आहार में चेंज करके और थोड़े से दवाई देकर हमने वो बच्चे का नेबुलाइजर्स और अस्थमा नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स का जो प्रयोग हो रहा था वो भी रोक दिया था. और वो इतनी खुश थी, इतना बताया कि पिछले 15 दिन से उन्होंने कोई नेबुलाइजर लिया है बच्ची को, एंड वो बहुत ही अभी शांति से सो भी पा रही है. एंड इवन द चाइल्ड वो स्टार्टेड, इवन वो जो बच्चा है वो अच्छे से खाना भी खा रहा था. ये वो बहुत खुश थी. दोस्तों ये इन्होंने जो अभी बात बताई ना, एक लास्ट में के खाना अच्छे तरीके से खा रहे पा रही थी,
तो एग्जैक्टली यही बच्चों में होता है इनफैक्ट, कि जब उनको दमा का अटैक आता है या तो वो इनहेलर लेते फिर भी उनका एपेटाइट कम होता है और बार बार ऐसी साइकिल जैसी हो जाती है कि अचानक से गले में इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक ली, कंट्रोल किया फीवर वगैरह, फिर वो ड्राई कफ चालू रहता है और एपेटाइट एकदम से चला जाता है। तो ये बच्चे जो है वो उनको डिफिकल्टी होती है खाना खाने में भी, उनको भूख नहीं लगती है। तो ये सारी चीज क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं और इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों में भूख भी सुधर जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी जो प्रणाली है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली है, उसकी जो हर्ब्स है उसके बारे में विश्व में क्या रिपोर्ट्स पब्लिश हुए। तो आयु शक्ति की जो अस्थालोक है और आयु शक्ति का डी वायरो, ये दो हम देते हैं हमेशा, अस्थालोक और डी वायरो, ये दोनों चीज यदि आप साथ में लोगे तो आजकल कुछ स्पेशल ये भी चल रहा है, बट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बट ये चीज है कि ये डी वायरो इम्यून सिस्टम के लिए, अस्थालोक जो है वो कफ और मेनली ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, श्वास, दमा वगैरह के लिए है। तो उसके क्या रिपोर्ट्स पब्लिश हुए है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हाँ, तो ये एक बड़ा ही माना हुआ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीयर व्यूड, यानी कि साइंटिस्ट लोग जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके बोर्ड में होते हैं, वहां पे ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसके अनुसार आयु शक्ति की जो अस्थालोक है वो अस्थालोक 6 महीने लेने की वजह से लगभग 80% लोग, यानी दो ग्रुप में हुआ था ये रिसर्च, एक ग्रुप जिसमें कि प्लासिबो दिया गया था, इसे डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं, प्लासिबो यानी कि दवाई करके दवाई दी गई लेकिन वो दवाई नहीं थी, एक शक्कर की गोली थी या सादी कुछ गोली थी, और दूसरे ग्रुप को अस्थालोक दिया गया था, और सारे 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 लोग जितने भी मतलब दोनों ग्रुप के लोग सालों से इनहेलर लेते थे, तो 6 महीने के बाद ऐसा पाया गया कि सभी के ब्रीदिंग फंक्शन के अंदर, यानी कि वो जितना अलग अलग टेस्ट के अनुसार वो पहले शैलो ब्रीथ करते थे, उनका ब्रीदिंग केवल छाती के एक लेवल तक ही पहुंचता था, ये लेने के बाद डीप लेवल तक उनकी ब्रीदिंग हो गई चालू, यानी अंदर के ब्लॉकेजेस कम हो गए, ऐसा उस रिपोर्ट में पब्लिश हुआ। दूसरा कि उनकी एक्सहेल की कैपेसिटी बढ़ गई, यानी 20% तक लंग की कैपेसिटी बढ़ गई। तीसरा ये उसमें प्रमाणित हुआ कि 80% लोग जो है उनको 6 महीने के अंदर अंदर ये लेने की वजह से अपने आप ही इनहेलर या तो स्टीरॉयड लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो है नेचुरल दवाई से ये हो सकता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बहुत बड़े अमेरिकन मेडिकल जर्नल ने ये चीज पब्लिश की है। तो आइए अब देखते हैं हम के लाइफस्टाइल में क्या करें। इसमें लाइफस्टाइल काफी महत्वपूर्ण होती है, तो हमको प्राणायाम बहुत जरूरी है। उसमें ओमकार, यानी ओम एक यूनिवर्सल वर्ड है, इस दुनिया जब आई तब हमने पहला वर्ड जाना ओम, ओम। सो ये ओम उस तरीके से धीरे धीरे ओमकार करने से धीरे धीरे अंदर की जो ब्लॉकेजेस है वो कम हो सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम रेगुलर करते रहने से इम्यून सिस्टम थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती है, और लाइट योगा आप कर सकते हैं, वॉक, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, या सो ये अलग अलग प्रकार की, जैसे अस्थमा में ज्यादा हमें ये हम नहीं कर सकते अस्थमा में कि हम बहुत दौड़े या स्विमिंग करें या एकदम एरोबिक टाइप की हेवी एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते क्योंकि ब्रीदिंग पे असर आती है, लेकिन आप लाइट वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं डेफिनेटली, ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो
इस तरीके से यदि आप कुदरती तरीके से, जैसे हम दोनों ने मिलके आपको बताया क्या खाना नहीं खाना, लाइफस्टाइल ये वो सब, तो उससे धीरे धीरे करके आप मजबूत होकर के अपने दमा के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर स्मिता एंड डॉक्टर दीपा, आपने आज इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे इतना इन डेप्थ आपने इंफॉर्मेशन दिया। हमारे सारे व्यूवर्स, जो इतने सारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं हमें अस्थमा के लिए। उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर दीपा और डॉक्टर स्मिता आपसे कि आज के जनरेशन के लिए आप एक वो कौन सा टिप देना चाहोगे जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसके लिए। करंट सिचुएशन में इम्यून सिस्टम बढ़ाना सबसे जरूरी है, कोरोना में स्पेशली। तो डी वायरो तो मैं खुद ले रही हूँ, मेरे घर में सारे लोग ले रहे हैं, और मेरे परिवार के मेरे भाई मेरे देवर उनके घर में भी सारे लोग ले रहे हैं। तो डी वायरो तो लेना ही चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, ताकि हम अपना क्या बोलते हैं हमारा जो शील्ड है प्रोटेक्शन का वो बनाए रखे। उसके अलावा आइसोलेशन इज अ मस्ट राइट नाउ। हम लोग कई बार ऐसा सोचते अरे क्या होने वाला है, हम चले जाते और ध्यान नहीं देते, तो आइसोलेशन बहुत जरूरी है। दूरी से काम करना चाहिए तो हम सेफ रहते, कुछ करे तो भी बाय चांस, जैसे कि इसेंशियल सर्विस हमारी है क्लिनिक, तो मेजोरिटी हम वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, पर फिर भी कोई कोई लोग आ जाते हैं हमारे क्लिनिक में, तो हम उनसे दूरी से काम करते हैं ताकि हम किसी को, सब लोग सेफ रहे बस। तो ये है, और क्योंकि हम घर में इसलिए एकदम जम के कूद ना पड़ो, आज का जनरेशन पिज्जा पास्ता जंक फूड बहुत खाता है, ट्रस्ट मी मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। एक बार मैं लंदन में काम कर रही थी, जब वो 10 साल का था ना, तो भरी हुई क्लिनिक थी, सारे मतलब लंदन के लोग आए हुए थे, तो वो बाहर गार्डन में बैठ के पिज्जा खा रहा था, उसे बहुत पसंद है। उसी दौरान वहां पे एक बैठा था जिसकी बेटी को अस्थमा था, तो वो मुझे मिलने आए, मैंने बोला गेहूं और दूध की चीजें चीज नहीं खा सकते, फिर मैंने बोला कि मेरे बेटे को भी अस्थमा था, तो बोलते वो तो वहां बैठ के खा रहा है, तो मिला लेकिन वो ठीक हो गया ना। तो जब आपको कुछ कफ वगैरह है तो मत खाइए, और थोड़ा लिमिट में खाइए, बस यही बोलना है आपको। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं डॉक्टर। पहला क्वेश्चन है, इनहेलर के बिना अस्थमा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि यदि आप ऑलरेडी इनहेलर ले रहे हैं तो बंद करना थोड़ा मुश्किल रहता है तुरंत, इसलिए दोनों थेरेपी साथ में करनी पड़ती है। जैसे आयुर्वेद का जो अस्था टॉक्स प्रोग्राम है उसमें डिटॉक्स है, डाइट लाइफस्टाइल एंड हर्ब्स सब कंबाइन है, वो सब आपको एक साथ में करना है, और धीरे धीरे करके जब आपकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी तो आपको अटैक जब कम होते जाएगा अपने आप ही, तो आपको इनहेलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हमने डेबी में देखा, तो उसको तो 15 साल से ले रही थी, उसके खुद के डॉक्टर ने, क्योंकि वहां पे जीपी ने बोला तो ही आप बंद कर सकते, ऐसे नहीं बंद कर सकते, तो उनके जीपी ने बोला कि अब आपको जरूरत नहीं है। और यदि आप नहीं ले रहे तब तो आयुर्वेद से ही कई बार अपने आप ही, जैसे मेरे बेटे का मैंने एग्जाम्पल बताया कि जब उसको शुरुआत में हुआ था तो मैंने उसे अस्थालोक और डी वायरो ही केवल दिन में 4 बार दिया, तो उसे अटैक नहीं आया था एक्चुअली, लेकिन कई बच्चों को बीच बीच में अटैक आता है तो वो ले लेते हैं इनहेलर, लेकिन उनको कम जरूरत पड़ने लगती है, लाइक कंट्रोल में आ जाता है अपने आप ही। ठीक, दूसरा प्रश्न है, क्या किसी गंध से अस्थमा का दौरा हो सकता है? जी डॉक्टर दीपा, आप बोलना चाहेंगे इसका आंसर? जी, कभी कभी अस्थमा अटैक्स अगर किसी पावरफुल परफ्यूम या धूल मिट्टी से भी ट्रिगर हो सकता है। जी डॉक्टर स्मिता, एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स ने भेजा है, इन दिस सिचुएशन हाउ विल यू डू पल्स रीडिंग? मतलब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला है कि ये करंट सिचुएशन में हम कैसे उन्हें कंसल्टेशन दें। बिल्कुल, अभी जैसे कि आज मैंने कंसल्टेशन दिया, मैंने करीब इंडिया के 15 सिटी के लोगों के साथ कंसल्टेशन दिया, हरियाणा पंजाब
दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, ये सारे लोग वीडियो कंसल्टेशन से हमें फोन कर रहे थे। मैं वीडियो पे उनसे बात की, मैंने व्हाट्सएप पे, जूम कॉल, जो भी आपको इजी है। जूम से एक फायदा होता है कि हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं अच्छे तरीके से, पर किसी के पास जूम नहीं है तो हम व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो, या फोन पे बात करते हैं। तो उस तरीके से हम डेफिनेटली डिटेल में सब जानकारी ले करके आपकी क्या तकलीफ किस वजह से है वो हम तहकीकात तय करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं और सारा डिटेल में फिर आपको पहुंच जाता है अगेन राइटिंग में, ताकि आप उसको हमेशा फॉलो कर सके। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, तो बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन एक्चुअली। पर मैंने देखा है कि हम तो विश्व भर में, नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि शाम के टाइम पे आयुष शक्ति के डॉक्टर्स लगभग अमेरिका, यूके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को कंसल्टेशन देते हैं। और वैसे तो आयुष शक्ति के उस कंट्री में भी डॉक्टर्स है, तो वो लोग वहाँ पे लोकली वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं। जैसे जर्मनी में लॉकडाउन है तो जर्मन जो हमारे प्रैक्टिशनर है वो वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को हेल्प तो कर ही रहे, क्योंकि हेल्प करना तो हमारा धर्म है, हमको करना ही चाहिए। आई अग्री विथ यू डॉक्टर स्मिता। डॉक्टर दीपा, आपके लिए क्वेश्चन, दमा के लोगों के लिए सबसे अच्छा सोने का स्थान क्या है? मैं रिपीट करती हूँ, दमा के लोगों के लिए सबसे अच्छा सोने का स्थान क्या है? दमा के लोगों के लिए एक्चुअली वो लेट जाएंगे तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है, तो उनको उनको हम सजेस्ट करते कि चेयर रहती है, बैठे हुए जो चेयर रहती है उसमें उनको काफी अच्छे से वो आराम कर सकते हैं, या तो पिलोज थोड़े से ऊपर रख के थोड़े से अपर हेड को करके बेड में सो सकते हैं। That's another. थोड़ा ऊंचा उनको अपना हेड थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है। हाँ, डॉक्टर दीपा ने जो बताया वो, तभी उनको कंफर्ट रहती है एक्चुअली। सो दैट इज सो करेक्ट। डॉक्टर स्मिता, और एक सवाल आया है एक व्यूअर से, कैन वी कम टू योर क्लिनिक एंड विल यू स्टिल रीड अ पल्स इन दिस करेंट सिचुएशन? एक्चुअली हमारे यहाँ कोई कोई लोग, जैसे मैंने बताया कि क्लिनिक में आ जाते हैं, जनरली सारे हम लोगों को वीडियो कंसल्टेशन ही देते हैं, तो उस दौरान हम पूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, तो हमारे सारे क्लिनिक एक्चुअली स्प्रे से हम पूरे सैनिटाइज करते हैं एज पर बीएमसी प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स पीपीई किट पहन के बैठते हैं, तो फिर और साथ में हम लोग टेबल को पूरा सैनिटाइज करते हैं, और कोई किसी के यदि नाड़ी देखनी पड़े तो उनको पूरा हाथ धोने को बोलते हैं, उनका हाथ सैनिटाइज करते हैं, हमारा हाथ सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम नाड़ी देखने के बाद वापस हम धो के सैनिटाइज करते हैं। तो ये प्रोसीजर करनी बहुत जरूरी है, तो मतलब कि हम कर सकते हैं, पर ऐसा मैं मानूंगी कि कोशिश करें कि हम सब अपने घर में ही रहे और वीडियो कंसल्टेशन करें। हमारे यहाँ लोग आज सारे पेशेंट्स हमारे बिजी है डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट, तो एंड वी आर हेल्पिंग पीपल एक्चुअली पूरे पूरे विश्व भर में हम रोज के सैकड़ों लोगों को आज भी हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक के हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और उस तरीके से भी हम हेल्प कर ही पा रहे हैं, तो वो ही ठीक रहेगा कि हम आइसोलेशन में रहे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि 22 मई और 23 मई को आयुष शक्ति डॉक्टर्स आप सभी को फ्री हेल्थ कंसल्टेशन देंगे वाया फोन, और ये फ्री हेल्थ कंसल्टेशन आप पा सकते हैं, हमारे आयुष शक्ति क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, तो आपको ये फ्री हेल्थ कंसल्टेशन मिल सकता है। ये हमारा एक मेगा कैंप है जो हर महीने होता था, लेकिन सब हमारे सारे जो दोस्तों है वो सारे क्लिनिक विजिट करते थे, लेकिन अब हम ये फोन से भी आपको दे सकते हैं। आयुष शक्ति का ब्रीथ इजी किट अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी एक नई ब्रीथ इजी किट है जिसके अंदर हम, जैसे अपने लाइव में देखा, डी वायरो, कफनो, अस्थलों के सारे हर्ब्स है हमारे, उसका एक हमने किट तैयार किया है जो आप ले सकते हैं। इससे आपके जो भी इम्यून सिस्टम है
वो बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा, आपका जो लंग्स है उसको स्ट्रेंथन करेगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दोस्तों अगर आपको आयु शक्ति डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप कॉल कर सकते हैं इस स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पे। अगर आप इंडिया में कोई भी सिटी से कॉल कर रहे हो तो आप कॉल कर सकते हैं 1-800-266-3001। आई रिपीट 1-800-266-3001। अगर आप कोई भी ग्लोबल सिटी से कॉल कर रहे हो तो आप कॉल कर सकते हैं 1-800-280-906। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7777-001561। आई रिपीट 7777-001561। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@ayushakti.com पे। अगर आपको कोई भी हर्ब्स ऑर्डर करना है तो नीचे दिए गए हुए वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं www.ayushakti.com। नमस्कार। नमस्कार।